तो फाइनली दोस्तों हम बात करने वाले हैं सालार के 15 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि आखिर सालार ने अपने 15 दिनों में कितने का कलेक्शन कर लिया है और यह मूवी कौन कौन से रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है। वैसे दोस्तों अगर आप भी बॉक्स ऑफिस से जुड़ी अपडेट जानना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सालार ने अपने 15 दिनों में कौन कौन से रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने पहले दिन कितने का इंडियन नेट कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने पहले दिन लगभग 95 करोड़, वहीं अपने दूसरे दिन लगभग 66 करोड़, वहीं अपने तीसरे दिन लगभग 67 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आई। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के पहले वीकेंड के कलेक्शन के बारे में कि आखिर इस मूवी का पहले वीकेंड का टोटल कलेक्शन कितने का हो चुका है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के पहले वीकेंड का टोटल कलेक्शन 320 करोड़ रुपए हो चुका है। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के 8वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने 8वें दिन कितने का कलेक्शन कर रही है और यह मूवी अपने 8वें दिन कौन कौन सी मूवी को पीछे छोड़ रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 8वें दिन किसी का भाई किसी की जान, टाइगर, नागेश्वर राव, मिशन रानीगंज, गणपत जैसी मूवी को पीछे छोड़ रही है और यह मूवी अपने 8वें दिन लगभग 9 करोड़ 62 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। अब वही बात कर लेते हैं मूवी के 9वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने 9वें दिन लगभग 12 करोड़ 55 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। वहीं अब बात कर लेते हैं मूवी के 10वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने 10वें दिन लगभग 15 करोड़ 10 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। अब वहीं बात कर लेते हैं मूवी के 11वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने 11वें दिन कितने का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 10वें दिन के मुकाबले अपने 11वें दिन बहुत ही अच्छा कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है और यह मूवी अपने 11वें दिन लगभग 16 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। अब वहीं बात कर लेते हैं मूवी के 12वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी के 12वें दिन बहुत ही ज्यादा ड्रॉप देखने को मिला और यह मूवी अपने 12वें दिन सिर्फ 6 करोड़ 45 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर रही है। अब वहीं बात कर लेते हैं मूवी के 13वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने 13वें दिन सिर्फ 5 करोड़ 18 लाख रुपए का ही कलेक्शन कर रही है। अब वहीं बात कर लेते हैं मूवी के 14वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में कि आखिर यह मूवी अपने 14वें दिन कितने का कलेक्शन कर रही है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह मूवी अपने 14वें दिन लगभग 4 करोड़ 60 लाख रुपए का कलेक्शन कर। वैसे में इस मूवी के दूसरे वीकेंड का टोटल कलेक्शन 70 करोड़ 20 लाख रुपए हो चुका है। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी की आज के यानी कि 15वें दिन के इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों यह मूवी अपने 15वें दिन लगभग 3 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, रिकवर कर चुकी है और यह मूवी एक हिट मूवी साबित हो चुकी है। वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के टोटल इंडियन नेट कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 400 करोड़ का हो चुका है और यह मूवी टोटल 600 करोड़ रुपए का कलेक्शन और यह मूवी टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ रुपए का कर चुकी है। अब वहीं बात कर लेते हैं इस मूवी के ओवरसीज के कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी का टोटल ओवरसीज कलेक्शन 140 करोड़ रुपए का। वैसे दोस्तों आपने सालार मूवी देखी या फिर नहीं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य नए वीडियो में।